सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज एंड व्हाट आर इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. जो YDSC में हमने एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर जो था कि हम बोल रहे थे बार बार कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. सो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो वो जो दो स्लिट से जो लाइट्स बाहर निकल रही थी, तो उनके लिए जो दो स्लिट्स S1 और S2 हमने लिए थे, उनको कोहेरेंट सोर्सेज बोल रहे हैं. और वो कोहेरेंट सोर्स क्या एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे थे या क्या चीज वो दे रहे थे, दो ऐसी वेव्स जो जिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी. और क्योंकि एक ही वेव दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो वो हर जगह और सिंगल ही वेव डिवाइड हुई है और एक साथ पहुंची थी दोनों स्लिट्स पर, तो वही आगे चल करके फैलती जा रही है और सुपरपोज होकर के इंटरफेरेंस करवा रही थी. तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनके थ्रू सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या जीरो, जीरो भी कांस्टेंट में आ जाएगा, जीरो फेज डिफरेंस हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, इस टाइप की लाइट वेव्स को कंटिन्यूअसली एमिट किया जा सके, ऐसे सोर्सेज को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. अगेन, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच विल एमिट द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड हैविंग द जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. दोज विच कैन नॉट डू इट वुड बी ट्रीटेड एज इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड, क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, वो कौन बताएगा मुझे. तो देखिए साहब, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की नीड क्यों है. तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब हमने पहले तो समझा कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना, एक टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं. और एक टाइम में अगर दो ऑसिलेशन होंगे, मान लीजिए 1 सेकेंड के अंदर दो ऑसिलेशन हो, तो हर एक वेव ऐसी होनी चाहिए जो हर 1 सेकेंड के बाद यहां तक ही पहुंचे. तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए. अब वेवलेंथ भी अगर सेम हो, तो इसका मतलब कलर सेम होना चाहिए. पहली चीज तो ये कंडीशन आ गई कि कलर सेम होना चाहिए. क्यों सेम होना चाहिए, किसी ने कहा सर येलो ले लो, रेड ले लो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी. डिफरेंट अगर वेवलेंथ हो जाएगी तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो यहां से स्पीड डिफरेंट आ जाएगी, यहां से स्पीड डिफरेंट आ जाएगी आपकी. ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पीड डिफरेंट आ जाएगी. मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर, तो न्यू में भी तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको तो चलो कम ज्यादा स्पीड हम दे सकते हैं अलग अलग मीडियम में रख करके, अलग अलग मीडियम के अंदर रख दे तो स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं. और उस हिसाब से फिर ये बोल सकते हैं कि चलो ये दो अलग अलग है, वो 1 सेकेंड में कोई यहां तक पहुंच रही थी और ये भी 1 सेकेंड में ही यहां तक ही पहुंच रही है. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड के अंदर है तो ये यहां तक पहुंच रही है. कुछ कुछ भी करके हम कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो रिफ्रैक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, चाहे इस मीडियम में हो चाहे इस मीडियम में हो. तो फ्रीक्वेंसी सेम रख करके वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के थ्रू हम लैम्डा चेंज होगा, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो वी को इंक्रीज करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर वी इंक्रीज हो गया एक कलर के लिए और दूसरे के लिए कम है, तो अब क्या हो रहा होगा, एक आगे आ रही होगी एक पीछे आ रही होगी, तो जब भी ये इंटरफेयर कर रही होंगी इनके डिफरेंट पार्ट अलग अलग जगह इंटरफेयर करेंगे. ठीक, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा. तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, इसका मतलब फाइनल प्रोसेस जाके टकराया कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा. तो हमें लुक एट द फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस से रिलेटेड फॉर्मूला इंटेंसिटी का देके देखते हैं साहब. यहाँ पर इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 + I2 + √I1 I2 cos φ, जिसके अंदर I1 is the intensity of first light और I2 is the intensity of second light, है ना भाई. ये ऐसे मत सोचना कि धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, सेम ही है ना भाई, सबके जो एम्पलीट्यूड वगैरह है वो सब सेम ही है. ठीक है, यहां भी तो इस तरीके से, तो इसकी है I1, इसकी है I2. ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सुपर पोजिशन में नहीं है तो इस हिस्से का की टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब ये दिखाने के लिए इतनी दूर है, बाकी
पूरा इसका स्प्रेड हुआ हुआ होगा, इसका भी स्प्रेड हुआ होगा, तो टोटल इंटेंसिटी पूछता आई आर टोटल, तो वो होती है I1 प्लस I2, जब तक वो इंटरफेयर ही नहीं हुई तो इसकी भी इंटेंसिटी है, इसकी भी इंटेंसिटी है, ये भी लाइट दे रही है, ये भी लाइट दे रही है, दोनों किसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर नहीं रही जब तक सुपरपोज नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपको पूरी जगह पे लाइट नजर आएगी। ये ठीक ऐसे जैसे अभी आपको पूरे बोर्ड पर लाइट नजर आ रही है हर एक पोर्शन के अंदर, चाहे मैं लाइट्स बंद करूं ना करूं, नजर थोड़ा सा उस पर विजिबिलिटी पे थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन लाइट अभी भी है। मैंने लाइट ऑन करी तो थोड़ी विजिबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, लेकिन लाइट सभी जगह आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ हिस्से पे लाइट नहीं आएगी, कुछ हिस्से पे लाइट आएगी, ऐसा नहीं होगा, पूरी जगह पे आ रही है अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। तो जनरल इंटरफेरेंस होता नहीं है ब्रॉड स्पेसिस के अंदर, उसका रीजन ये रहा। ठीक है, अच्छा कैसे रहा ये रहा कि यार ऐसे तो समझा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, इसको ही बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। क्यों बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, समझते हैं। ये जो कॉस फाइव है, कॉस फाइव इसमें देखा आई वन तो पहले भी आई वन थी, बाद में भी आई टू थी, मतलब पहले वाली चीज और बाद वाली चीज इनमें तो कुछ भी चेंज होने का नहीं, I1 I1 रहेगी, I2 I2 रहेगी, इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे सुपरपोज हुई हो चाहे नहीं हुई हो। इसका मतलब सुपरपोजिशन के बाद इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, I1 I2 ये भी ऑलमोस्ट सेम रह गया, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएटेड है तो cos phi पर डिपेंड करना लग गया। cos phi, phi क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस सुपरपोजिशन होते टाइम, एक चीज और समझनी, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर इस इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई वाला था, तो इसका मतलब यहां पर कंस्ट्रक्टिव यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में मिले होंगे, क्रेस्ट क्रेस्ट अगर आपस में मिले होंगे तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई होगी क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू उस टाइम पे हो जाएगी प्लस वन। जिस टाइम पर, अब क्योंकि यहां पे इंटरफेरेंस दो ही कंडीशंस में पॉसिबल है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिलेंगे या क्रेस्ट ट्रफ मिलेंगे, अदर पार्ट्स इसके अंदर इंटरफेरेंस में ज्वाइन नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस बोल ही उसी को रहे हैं कि जिसके अंदर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो। इसका मतलब या तो क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ ही आपस में ज्वाइन हो, सुपरपोज हो, या फिर क्रेस्ट ट्रफ आपस में सुपरपोज हो। इन दो ही सिचुएशन के एक्सचेंज के थ्रू जो इंटेंसिटी मिल रही है उन्हीं को ही हम इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। बाकी अगर मान लीजिए ये पोर्शन है, ये पोर्शन इसके क्रेस्ट से टकरा जाए, दैट इज नॉट द इंटरफेरेंस। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है मान लीजिए कि ये यहां पर ही आ गया, तो इसका अगर ये इसको खत्म करना भी चाहेगा, इसको थोड़ा ब्रॉड व्यू कर रहा हूं, मैग्निफाई ये, और यहां पर मैं इसके क्रेस्ट को ऐड कर रहा हूं साहब इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर इसके क्रेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो इसका तो है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट, इसको भी मुझे उसी हिसाब से ब्रॉड करना पड़ेगा ना। तो जब ये यहां पर इस जगह पर इसका क्रेस्ट वाला पोर्शन कैसे चलेगा, ये देखिएगा इस तरीके से कुछ चलेगा, ये करवा दिया साहब मैंने, और इस जगह पर दूसरी वेव आ रही है उसका हमें क्या ऐड करना है, ये इसका है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये इसका तो है डिस्प्लेसमेंट y1 फर्स्ट वेव वाली का इसका, और दूसरे के केस में ये है इसका y2, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके साथ क्रेस्ट के साथ ऊपर वाले हिस्से वाले के साथ, इस वाले हिस्से के साथ जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 था, है ना, एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड तो ये आएगा a1 जो मैक्सिमम वाली सिचुएशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और उसके साथ कोई ट्रफ वाला सिचुएशन एड हो रही हो, ये ट्रफल, तो वो कुछ भी कर ले, बराबर का भी होगा तो भी इस y1 से तो बड़ा ही होगा ना, ये जितना अगर a1 है उतना भी आपने ले लिया, ये देखिए a1 के जितना भी ले लिया, तो इस हिस्से का कैंसिल आउट होने के बाद इतना ही तो इससे कैंसिल आउट होगा, ये हिस्सा तो फिर भी लाइट वाला ही पोर्शन कुछ ना कुछ बचेगा। इसका मतलब यहां तो लाइट दिखेगी, तो ऐसी कोई सी भी जगह
जहां पे आपने क्रेस्ट और क्रेस्ट के अलावा ले लिया और उनके साथ आपने कोई से भी रेंडम पोर्शंस को ज्वाइन करवा दिया, तो वहां पर कुछ ना कुछ हिस्सा ऑफ लाइट विल बी देयर। फिर से बता रहा हूं, केवल एक ये चीज अगर समझ में आ गई तो पूरा इंटरफेरेंस और जनरल इलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है साहब आपको। इसके इस पॉइंट पर करवा देंगे, इसके इस पॉइंट पर करवा देते हैं और इसके इस पॉइंट पर दूसरी वेव को सुपरपोज करवाते हैं, देखिएगा। तो ये करवा दिया साहब मैंने। अब ध्यान से देखो, इस हिस्से के साथ ये तो इसका Y1 और इसके साथ दूसरी वेव का ये Y2 यहां पर A2 का काम कर रहा है। ये दोनों ऊपर ऊपर, यानी कि जब देखेंगे तो ये Y1 और इसके साथ ये Y2, ये दोनों ऐड हो करके देंगे कुछ ना कुछ बढ़ा करके, खत्म नहीं। यानी कि यहां पर लाइट मिल गई साहब, बिल्कुल लाइट मिल गई। यहां पर देखा इसके साथ तो ये नीचे की तरफ है Y1, लेकिन इसके यहां पर जो ज्वाइन हो रहा है वो ये है और ये है इसका Y2 और ये Y2 ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ तो ये Y1 है और इसके ऊपर ये Y2 है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये अगर 2 का मान लो तो इसका 2 ये होगा पूरा, तो ये 3 का रहा होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा बच गया अभी भी, इसका मतलब इन दोनों के सुपर पोजिशन से कुछ ना कुछ ऊपर के हिस्से में लाइट बची रहेगी। आप ऐसा कोई सा भी पोर्शन ले लो और किसी भी जगह का ले लो, देखो ये यहां लिया, ये यहां लिया, तो ध्यान से देखिएगा, ये इधर लिया तो ये नेट चीज नेगेटिव के अंदर जाकर के बढ़ गई। इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा में इतना तो ये ज्वाइन हो ही चुका है, एक ही डायरेक्शन में थे ट्रफ वाली सिचुएशन की तरफ, और ये ट्रफ में और ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब अभी भी लाइट बची रह गई। कुछ भी कर लो आप, हर जगह पर लाइट की सिचुएशन बनी रहेगी। ये वाला हिस्सा ऊपर का है, ये वाला हिस्सा नीचे का है, नीचे की तरफ जा रही है वे, ये हिस्सा ऊपर का है। अभी भी इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो इन दोनों को ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ, इसका ये हिस्सा नीचे और ये इतना बड़ा हिस्सा ऊपर, इसमें से इसके बराबर का हिस्सा यहां तक का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इतना हिस्सा लाइट का बच जाएगा। इसका मतलब जब भी जनरल तरीके से कोई भी वेव्स अगर सुपरपोज हुई, इनको जनरल सुपरपोजिशन बोल रहे, इंटरफेरेंस नहीं बोल रहे, तो जब भी कोई दो वेव्स रेंडमली सुपरपोज हो रही है तो हमेशा हर एक सिंगल पार्ट का कुछ ना कुछ पार्ट लाइट प्रोवाइड कराएगा, और इस वजह से इस पॉइंट में भी आपको लाइट दिखाई देगी, इस पॉइंट में भी लाइट दिखाई देगी। आप XYZ पॉइंट उठा लो, आपको हर जगह लाइट दिखाई देगी। जब हर जगह लाइट दिखाई देगी तो यही तो चीज हो रही है कि बोर्ड पे आप सब जगह पे लाइट देख पा रहे हो। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा कि एक पर्टिकुलर हिस्सा बिल्कुल डार्क हो जाता जहां पे लाइट ही नहीं जा पा रही होती, है ना। जैसे भी आपको लग रहा होगा कि ये वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ब्राइटर है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कहीं पे बिल्कुल डार्क, बिल्कुल एकदम डार्क है, कि लाइट ही नहीं पहुंच रही। हर जगह थोड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, लाइट हर जगह पे पहुंच रही है, हर जगह पे लाइट पहुंच रही है, पूरी इलिमिनेशन है। वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये टोटल I1 + I2 आ रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए एक हिस्से पे लाइट होनी चाहिए, दूसरे हिस्से पे बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए, तो तभी उसको हम समझ पाएंगे वो अल्टरनेट पैटर्न के अंदर है। वो कैसे हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस cos phi पर। तो या तो cos phi की वैल्यू प्लस है तो ऐड होकर के कंस्ट्रक्टिव के अंदर वो बड़ी इकट्ठी रिजल्टेंट वेव दे रहे हैं, और cos phi की वैल्यू माइनस वन वैल्यू हो जाए तो मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी देंगे, और वो ऑलमोस्ट या तो जीरो या थोड़ी बहुत ही अगर आएगी, यानी कि बहुत ज्यादा डार्कनेस। अगर एक की ये डार्क, जैसे एक की इलिमिनेशन अगर इतनी आपको दिख रही है ब्राइटनेस, तो उसके कंपैरिजन में इतनी डार्क सिचुएशन होगी कि जैसे वहां पे लाइट ही ना पहुंची हो, अगर ये यहाँ पे मिनिमम भी है तो, ठीक है। और जनरली ये जीरो ही होती है, क्योंकि जब हम कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं, आगे चल के बताऊंगा, दोनों एक ही सोर्स से मिलने वाले,
तो यहाँ पे कोई लाइट का पॉइंट ही नहीं बचेगा कि लाइट ही नहीं आ पा रही। जब इस जगह लाइट ही नहीं आएगी तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। और कुछ ना दिखाई देने को ही कि हम क्या बोलते हैं? डार्कनेस। ठीक है, उस कुछ ना दिखाई देने को ही बोलते हैं डार्कनेस। तो डार्क फ्रिंजेस, अच्छा कैसे पता चला? तो इसके अंदर तो सिर्फ या तो प्लस वन या माइनस वन, केवल दो ही चीज हो रही थी, या तो मैक्सिमम बन रही थी या कुछ नहीं बन रही थी। कुछ नहीं बन रही थी तो ये इतना सा खाली रह गया, कुछ नहीं बनी, फिर मैक्सिमम बनी, इधर कुछ नहीं बनी, फिर मैक्सिमम बन गई, फिर इधर कुछ नहीं बनी, फिर इधर मैक्सिमम। यानी कि इस हिस्से में आपको लाइट नजर ही नहीं आ रही, इस वाले हिस्से में लाइट नजर ही नहीं आ रही, ये इस हिस्से में लाइट नजर नहीं आ रही जो शेड कर दिया मैंने। आपको लाइट सिर्फ इन हिस्सों में ही नजर आ रही, सिर्फ लाइट इन हिस्सों में नजर आ रही है जो मैंने राइट कर रखे। ये तो हो गई आपकी इंटरफेरेंस। लेकिन जब आप बात करोगे कि कॉस वाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई सा भी जो रैंडम हिट हो रहा था, तो उस रैंडम हिट के अंदर हमने देखा कॉस फाई का इंटरवल होता है सब 2π। कॉस फाई का इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब है इसका पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि कौन सी कितने डिग्री एंगल के बाद ये अपनी शेप और साइज को रिपीट करेगा। तो ये एक जनरल मैथ्स का 10th तक सब पास आउट हो, सबको पता होना चाहिए कि इसका कॉस फाई या साइन पाई का जो पीरियड होता है वो कितना होता है। ये साइन पाई की वेव है, इसका 2π, ये कॉस फाई की वेव है, इसका पीरियड 2π। 2π के बाद ये अपने शेप को एग्जैक्टली रिपीट करते हैं, एग्जैक्टली रिपीट करते हैं। इसका मतलब इस 0 से 2π में आपको पता है 0 to 90 degree के अंदर सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, 1 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है, सब आप लोगों ने पढ़ रखी है, 1/√2 होता है ना। अगर 90 to 180 चले जाए तो यही वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी कि -1 आती है, -1/2 आती है, -√3/2 आती है, -1/√2 आती है। फिर 180 to 270 में चले जाओ, ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, अमीबा स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, अमीबा स्टूडेंट्स टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। सो थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, फिर से थर्ड में नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगे। लेकिन फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है तो फिर से +1, +1/2, √3/2, 1/√2। इन सभी को कोई किसी भी पॉइंट पे ऐड करूं, इसका मतलब कॉस फाई की जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है। और इनके सभी के कॉन्जुगेट्स, मतलब 1 के साथ -1, इनके अपोजिट पेयर्स हमेशा हर जगह मौजूद है। और जब ये सारे आपस में ऐड होंगे तो फाइनल आंसर 0 आएगा, फाइनल आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब cos phi का एवरेज लेंगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आता है, ये पूरी टाइम गायब, और पूरी टाइम गायब होते ही आपको इंटेंसिटी क्या मिल गई? I1 + I2। बिफोर इंटरफेरेंस क्या मिल रही थी? I1 + I2। आफ्टर इंटरफेरेंस क्या मिल रही है? I1 + I2। क्या बिफोर और आफ्टर जिसको आप इंटरफेरेंस बोल रहे हो तो वो एक्चुअल में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो तो फिर क्या होना चाहिए? जनरल सुपरपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बार वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या मिलनी है? I1 + I2। एक का बहुत ज्यादा है, एक का कम है, एक का इतना बढ़ गया तो दूसरे का थोड़ा कम हो गया, ताकि हमेशा वैल्यू कितनी बनी रहेगी? I1 + I2। जैसे ये 10 है और ये 20 है, टोटल मिलके 30 हो रहे। किसी जगह ये वाला जो हिस्सा है अगर ये 7 का हो गया ना तो दूसरा हिस्सा कंपलसरी 23 का चला जाएगा, आपका आंसर 30 बना रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इसके कॉस फाई की वैल्यू ये कैंसिल आउट होकर के उस पेयर फॉर्म में ये पूरी टर्म हमेशा 0 बना रहे होंगे, 0 बना रहे होंगे, 0 बना रहे होंगे। एक पॉजिटिव होगा उसका पेयर, दूसरा नेगेटिव तैयार रहेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए जाएंगे, आपके पास हमेशा आंसर 30 आएगा। और 30 आने का मतलब जनरल इलिमिनेशन 30 की है, हर जगह 30, हर जगह 30, तो उसका मतलब आप जनरल सुपरपोजिशन को काम में नहीं ले सकते। जनरल सुपरपोजिशन का मतलब हुआ कॉस फाई की वैल्यू को वेरी नहीं करवा सकते। वेरी करने का मतलब हो गया कि आप इसको, आपको कंपलसरी होगी कंडीशन की इंटरफेरेंस देखना है तो कॉस फाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये सबसे मोटा केस हो गया आपका, सबसे मेन केस कि कॉस फाई शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, रेंडम नहीं हो सकता, केवल मैक्सिमम और मिनिमम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो रहा है, बाकी और किसी वैल्यू को नहीं ले रहा है, ये इन बिटवीन की। तो कॉस फाई शुड बी या तो 0 हो जाए या कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा बना रहे, जिससे आपकी ये टर्म हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू दे, या तो सिर्फ +1 दे या सिर्फ -1 दे, कुछ ना कुछ का मतलब सिर्फ +1 या -1। उसी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जो भी है पर्टिकुलर जिस भी टाइम पे, अगर 90 भी है तो वो 30 डिग्री भी है तो फेज डिफरेंस हमेशा 30 डिग्री का ही बना रहेगा, 30 डिग्री का ही बना रहेगा थ्रू आउट, वो चेंज नहीं हो रहा।
फाई की वैल्यू अगर एक दूसरे से ये इस तरह से आगे चल रही थी तो फिर ये इसी तरीके से चलेगी 30 डिग्री, फिर फाई की वैल्यू 30 लोगे तो ये टर्म इंट्रोड्यूस रहेगी, ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी। कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी तो आपको एक मैक्सिमम और एक मिनिमम मिल रहा होगा, उस 30 के रेस्पेक्ट में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम मिल रहा होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना है हमने, 30 ले ली, सिर्फ 30, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। फाइव की वैल्यू 30 ले ली, 30 के हिसाब से सारी सिचुएशन चलेगी, 60 ले ली तो 60 के हिसाब से चलेगी, यानी कि वो वैरी नहीं कर रहा है एंगल। इस चीज को बोल रहे हैं हम क्या कि जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, और फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहने के लिए वेव्स का एक साथ ट्रेवल करना जरूरी है। अगर एक की वेव लेंथ ज्यादा हुई और एक की वेव कम हुई तो एक सेकेंड के बाद ये तो यहां पहुंच गई और दूसरी से यहीं तक पहुंची, तो इसका डेफिनेटली कुछ दूसरा हिस्सा टकराने वाला। एक तो ये इतनी लंबी वेव है और एक ही ऐसे चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है हर पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ डिफरेंट हिस्सा ही टकराएगा जहां पे भी ये मिलेंगे। तो जहां पे भी मिलेंगे तो हर बार इनके बीच का फाई डिफरेंस, जहां जहां ये मीटर होंगे, इस जगह फाई डिफरेंट आ रहा है, 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 एक ही सिचुएशन के अंदर फाई डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब माइनस वन से प्लस वन की सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं पे अकर होंगी, पूरी सिचुएशन में होंगी, तो फिर वापस से कॉस फाई जीरो हो जाएगा, फिर से जनरल लिमिटेंस बन जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ सेम होने का मतलब हो गया आपको सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, क्रोमा मीन्स कलर, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल कलर्ड लाइट होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक ये सारी सिचुएशन कितनों को समझ में आ गई।